मैंने सुना है कि बहुत खूबसूरत सा मंदिर है वहाँ पे और बहुत शांति। वैसे तो मैं आपको बताऊँ, जब मैंने एंटर किया मुझे पूरा घर ही मंदिर लग रहा था, मतलब जो अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी ऐसा, तो पूरा घर ही मुझे मंदिर लग रहा था। लेकिन फिर भी मैं आपके उस छोटे से जो मंदिर है उसमें जाना चाहूँगी, और प्लीज़ अगर आप हमें वहाँ पर ले चले। तो फाइनली हम लोग मंदिर में आ गए हैं और यश हमें बताएंगे इस मंदिर के बारे में। यश, अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके कि क्या क्या होता है एग्जैक्टली यहाँ पे। तो यहाँ मेरे परदादा जी ने बनाया था। अच्छा। तो वो उनका संस्कार ऐसा था कि रोज़ वो 7:30 बजे शार्प, बहुत पंक्चुअल थे उन जमाने, डिनर लेते थे। डिनर लेने के पहले उनका आधे घंटा भजन होते थे, कोई आता था उनको भजन सुनाने, और फिर वो यहाँ आके मंदिर में पूजा करके फिर भोजन ग्रहण करते थे। अच्छा। और पूरा परिवार यहाँ बैठता था, मोस्टली अगर ज़्यादा लोग होते तो लेडीज अंदर और पुरुष बाहर। तो ये संस्कार उसी टाइम से चलता है। अब मैं क्या यहाँ बहुत सारे सत्संग करता हूँ, मतलब जैसे भजन, आर्ट ऑफ लिविंग के सत्संग होते हैं। मैंने करीब हर नियरली एवरी पूर्णिमा को मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ सत्संग रखें। अच्छा। तो उसमें लोगों ओपन हाउस है, क्योंकि जितने लोग आके भगवान का नाम ले उस अपने को ब्लेसिंग मिलती है और वातावरण अच्छा होता है। तो जिस जो भी आना चाहे बाहर से आ जाते हैं, यहाँ बैठ के हम लोग भजन कीर्तन करते हैं। और सब जो हमारे गणेश चतुर्थी हो, नवरात्रि हो, रामनवमी हो, सब पूजा यहाँ होती है। शिवरात्रि हो तो वहाँ शिवलिंग हैं, वो नर्मदेश्वर हैं। नर्मदेश्वर मतलब नर्मदा नदी से लिंग जो निकले हैं, वो ऐसे ही नेचुरल शिवलिंग बोलते हैं, उनको स्थापित भी नहीं करना पड़ता है। अच्छा। वो जैसे यूजली कोई मूर्ति को स्थापित करना पड़ता है, नर्मदेश्वर इतने उच्च कोटि के माने जाते हैं कि वो नेचुरल शिवलिंग है, तो मतलब ऐसे ही आके लगा दो और पूजा चालू कर दो। और वो जो मूर्ति है वो विष्णु भगवान की मूर्ति है, जो मेरे परदादा जी ने इस्टेब्लिश की, मतलब हम लोग वो विष्णु कृष्ण पूजनीय वैष्णव जो बोलते हैं वो हैं। तो पर सब भगवान एक ही है, आप कृष्ण मानो, विष्णु मानो, शिव मानो, देवी मानो, जीसस मानो, दीज आर ऑल मैनिफेस्टेशन ऑफ सेम डिवाइन एनर्जी, सेम एनर्जी, वन यूनिवर्सल एनर्जी इज एवरीवेयर, आप में है, मेरे में, सब में। मैं तो ये मानता हूँ उसमें, वो ही बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ रिलीजन तो करना चाहिए आपका जो धर्म है। श्राद्ध पूजा मैं करता हूँ, जो अपने अभी श्राद्ध चल रहा है, श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष चल रहा है, तो अपने एंसेस्टर्स ने जितना आपको दिया है तो आपको थोड़ा कृतज्ञता उनके ऊपर अनुभव, उनके प्रति प्रकट करना चाहिए। तो मैं श्राद्ध पूजा, मेरे पिताजी, माताजी, सब लोगों की श्राद्ध पूजा, ब्राह्मण को भोजन कराना, ये हमारे संस्कार है। तो जो है मेन चीज़ें, हम विश्वास करें ना करें, जो 5 मिनट भी हम आँख बंद करके प्रेम से उनको याद करें, वही बहुत है। मंदिर में हम हैं और मेंटल हेल्थ की बात करेंगे आज। कितना ज़रूरी है, आप इतना योगा सारी चीज़ें करते हैं, और बीच में अभी जो कोविड में ना लोग फिजिकल से ज़्यादा मेंटल हेल्थ से परेशान हो गए थे, स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें थी। जी देखिए, सबको टाइम टू टाइम ऐसा होता है, हम सब लोग को कभी कभी लो फीलिंग ऐसा होता है, प्रॉब्लम आते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कष्ट नहीं होता है, पर उसको हैंडल कैसे करते हैं, मेन वही है मेंटल हेल्थ। जो प्रॉब्लम आए उसको आप किस तरह आपसे थोड़ा डिस्टेंट रखें कि हम उनसे आइडेंटिफाई करके उनमें घुल मिल नहीं जाए, इसीलिए उसके लिए आपको मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरत है। ऑफकोर्स आप मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलर, साइकाट्रिस्ट, वो भी अहमियत रखते हैं, वो भी ठीक चीज़ है। आपको डायबिटीज़ हो तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो उसी तरह आप डॉक्टर के पास जाइए अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो, पर उसके साथ साथ जो भी दवाई भी लेना पड़े, अगर लेना पड़े, उसके साथ आप ध्यान, प्राणायाम और योगा चालू करें, उससे धीरे धीरे आपकी जो दवाई पर डिपेंडेंस है वो घटती जाएगी और आपकी जो मन से प्रसन्नता है वो उभरती जाएगी। मेडिटेशन में ऐसा मैं अनुभव जो करता हूँ कि जो हम रोज़ सोचते विचारते हैं और उसे आइडेंटिफाई करते हैं, आज हमको सवेरे कुछ ख्याल आ गया तो हम निराश हो गए, हम बचपन में थे, बचपन हम छोटे बच्चे थे तो हमको चॉकलेट नहीं मिला, हम निराश हो गए, हम चिल्लाए, हमको रोना आया, आज वो चॉकलेट का क्या अहमियत रहता है, कुछ नहीं। ऐसे ही जो चीज़ आज हम निराश हो रहे हैं वो कल कुछ नहीं रहेगी। तो इस तरह आप अपने जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ थॉट्स हैं उनसे जरा डिस्टेंट रहते हैं, और फिर मेडिटेशन में वो जो आपका इनर सेल्फ है, रियल सेल्फ, वो हम बोलते हैं सच्चिदानंद, सच्चिदानंद मतलब इटर्निटी ऑफ ब्लिस, वो आप
थोड़े थोड़े क्षण के लिए आप महसूस करेंगे मेडिटेशन में, फिर समझेंगे कि जो हमारे थॉट्स है, जो हम सोच रहे हैं, हमको प्रॉब्लम्स है, उसके अलावा भी एक स्थिति है जो शून्य स्थिति, जो ब्लिसफुल स्थिति है, और दैट इज़ रियलिटी. दिस इज़ ट्रांजिटरी, दिस विल पास, दिस विल गो अवे, दैट इज़ फॉर एवर. तो हम जो काउंसलर का हेल्प लें वो लें, पर उसके साथ साथ ये चालू करें. इससे मेंटल, स्पिरिचुअल सब आपकी ऐसी हेल्थ बनेगी कि आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि ये सब चीज़ जो हम रोज कष्ट सब लोग को आएगा, स्ट्रेस आएगा, उसको पास कैसे करना, उसको छोड़ कैसे देना, उस पर क्लिंग कैसे नहीं करना, वो आप सीखेंगे.